नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रेज में। अभी आपके सामने है ऑल न्यू ह्यूंडई क्रेटा का एस वेरिएंट। ये एक काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल वेरिएंट है और एक तरीके से वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट है। प्राइसिंग अगर आप देखेंगे ना इस मॉडल की, 13,40,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइसिंग के साथ में मॉडल आता है। अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग काफ़ी अच्छे फीचर्स भी है इस वेरिएंट के अंदर की अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, कि आपको इसमें मिलती है ह्यूंडई का लोगो है पीछे की में, और इस मॉडल में फ्लिप की आपको मिलती है लॉक ऑन लॉक के बटन से, और पीछे का बूट ओपन करने का भी बटन है। बाकी ओवरऑल गाड़ी के लुक्स आप देख सकते हैं, स्टांस जो है गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा एसयूवी लेवल का आपको मिलता है। पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है, साइड प्रोफाइल भी अगर आप देखेंगे साइड से तो काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी लगती है डिज़ाइन के मामले में। और गाड़ी का जो फ्रंट लुक है ये भी अगर आप देखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कैरेक्टर के साथ में आता है सामने से देखने पर भी। जो स्टांस है, जो रोड प्रेजेंस है, वो आप एस वेरिएंट का देख सकते हैं। ये वेरिएंट अगर आप लेते हो ना, तो किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन की जरूरत आपको यहाँ पर सामने की तरफ से नहीं पड़ने वाली है। गाड़ी की जो ग्रिल है कम्प्लीटली पैरामेट्रिक क्रोम फिनिश के अंदर ग्रिल आपको यहाँ पर मिलती है, कनेक्टेड में DRL से ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी DRL और टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर LEDs में लाइट्स है लोअर हाई बीम के साथ में। जो फ्रंट फेशिया है ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर डिज़ाइन के साथ में गाड़ी का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओवरऑल अगर आप साइड प्रोफाइल भी देखेंगे साइड की तरफ से भी शानदार लगती है। व्हील्स अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पर आपके पास में 16 इंचेस की व्हील्स है, जो कि सामने से अगर आप दूर से देखेंगे तो अलॉय व्हील की तरह लगते हैं, लेकिन ये अलॉय व्हील नहीं है। यहाँ पर प्लास्टिक में डिकल्स आपको मिलती है। 205/65/16 टायर साइज आपको यहाँ पर मिलती है। अपोलो किस में टायर लगी हुए हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, एक तरीके से 190 mm का है। मिरर्स अगर आप देखेंगे इस वेरिएंट में, मिरर्स के ऊपर LED टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और ये अंदर वाला जो मिरर है, इसे आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको फोल्ड नहीं कर सकते। बाकी गाड़ी का ओवरऑल स्टांस आप देखिए साइड की तरफ से, साइड की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगती है। और जो गाड़ी का बैक प्रोफाइल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अल्टीमेट लगने वाला है कम्प्लीटली आपके पास में, कनेक्टेड में टेल लाइट से पीछे की तरफ। गाड़ी में सेफ्टी भी अगर आप देखेंगे एस वेरिएंट में, काफ़ी अच्छी लेवल के सेफ्टी फीचर्स है। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, जैसे काफ़ी एडवांस लेवल के फीचर्स है। और टोटल 6 एयरबैग्स इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलती है। ये कुछ इसका बैक का प्रोफाइल है, बैक की तरफ से आप देख सकते हैं कंप्लीटली कनेक्टेड में टेल लाइट से। 190 mm का ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का, और ऊपर की तरफ आपके पास में कम्प्लीटली शार्क फिन भी अवेलेबल है। और साइड में जो है ना, रूफ रेल्स वगैरह भी आपको इसमें मिलती है, हाई माउंट स्टॉप लाइट है, रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर सब कुछ इस वेरिएंट से मिलना आपको शुरू होता है। टेल लाइट्स आप देखिए कम्प्लीटली कनेक्टेड में आपको मिलते हैं। और जो डिज़ाइन है, जो इसका ये टर्न इंडिकेटर्स का फील है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शानदार लगता है। रिवर्स कैमरा आपको इस वेरिएंट के अंदर मिल जाता है, और जो रिवर्स लाइट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 इसमें अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स इस वेरिएंट से मिलना यहाँ पर शुरू होते हैं। आइए गाड़ी का पीछे का बूट ओपन करके देखते हैं। बूट स्पेस अगर आप देखेंगे 433 liters का बूट स्पेस है। पार्सल ट्रे भी है कम्प्लीटली ऊपर की तरफ, और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो कम्प्लीटली ट्रे अगर आप देखेंगे, इसके नीचे स्पेयर व्हील टूल किट वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस भी है, हुक्स वगैरह भी आपको मिलते हैं कुछ पार्शियल वगैरह लटकाने के लिए। बूट के अंदर आपके पास में लाइट्स वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, और सीट्स जो आपको मिलती है 60-40 वाली सीट्स से आपके पास में। ये एक अच्छा फंक्शन है एस वेरिएंट के बारे में। एक्स वेरिएंट अगर आप लेते ना, तो किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। व्हील्स अगर आप देखते हो पीछे के, ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स आपको मिलने वाले हैं। ये एक अच्छा फंक्शन है गाड़ी के बारे में। डोर हैंडल्स आपके पास में कम्प्लीटली कलर वाले डोर हैंडल्स है, और पैसेंजर साइड डोर अगर आप देखेंगे कम्प्लीटली आपके पास में यहाँ पर सन शेड्स भी अवेलेबल है। सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स है, पाउंडोस के कंट्रोल है, नीचे ग्लास होल्डर्स के लिए जगह है, और स्पीकर्स का सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पीकर्स वगैरह भी आ ही जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम भी आ ही जाता है। पीछे के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए 2 हेडरेस्ट है। रिक्लाइनेबल सीट्स आपको एस वेरिएंट के अंदर मिलती है, कुछ इस प्रकार से आप इसे रिक्लाइन भी यहाँ पर कर सकते हैं, और इसे हम अभी लगा देते हैं इनकी जगह पर। 2 स्टेप में रिक्लाइन भी कर सकते हैं, तो ये एक फंक्शन अच्छा है इसके बारे में। सेंटर में आर्मरेस्ट भी आपके पास में अवेलेबल है। स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर फील होती है। सन शेड्स को हम अभी यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 5.9 मेरी हाइट है, कुछ इतनी स्पेस मेरे पास में यहाँ पर अवेलेबल है। विंडो एरिया भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर फील होता है। पीछे की तरफ से अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी नी रूम भी अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सीट्स का जो सपोर्ट है यहाँ पर है आपके पास में। पीछे के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए ऐसे के वेंट्स अवेलेबल है, 2 टाइप से भी पोर्ट्स है, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्पेस आपके पास में अवेलेबल है। ऊपर है आपके पास में कम्प्लीटली लाइट्स के रिलेटेड कंट्रोल्स है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स है, पीछे हेडरेस्ट वगैरह तो आपको मिल ही जाते हैं, सेंटर में आर्मरेस्ट भी अवेलेबल है। और ये कुछ फील है पीछे की सीट्स का। अभी चलते हैं सामने की सीट्स पर, देखते हैं वहाँ पर क्या सभी फंक्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। अभी देखिए कीलेस एंट्री आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, कीलेस एंट्री यहाँ पर मिसिंग आपको मिलती है, वो ज़रूर यहाँ पर होनी चाहिए थी।
बाकी इंटीरियर का लेआउट आप देखिए, ब्लैक बेज और ट्रिपल टोन कलर फिनिश के अंदर यहाँ पर इंटीरियर का जो लेआउट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर क्या है, ट्विटर्स के पॉइंट्स है, यहाँ से मिरर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन फोल्डेबल के कंट्रोल यहाँ पर होने चाहिए थे, वो यहाँ पर मिसिंग है। लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स है, पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स है, चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल है, नीचे ग्लास विंडोज़ के लिए जगह है। सीट्स अगर आप देखेंगे कम्प्लीटली फैब्रिक फिनिश के अंदर सीट्स है आपके पास में, और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं सीट्स की, रिक्लाइन भी सीट्स को आप यहाँ से कर सकते हैं, फैब्रिक फिनिश में सीट्स है आपके पास में एक तरीके से। यहाँ पर आपके पास में ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है, स्टेबिलिटी कंट्रोल का फंक्शन है, और हेडलाइट्स के लेवल है ऊपर या नीचे आप ऐसे कर सकते हो। बाकी ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है। यहाँ पर अंदर अगर हम इसमें बैठेंगे, आइए अंदर की तरफ बैठते हैं। गाड़ी को जो है मैंने पहले ही ऑन करके रखा था, तो जब आप अंदर बैठते हैं फील काफ़ी सही है गाड़ी का, कम्प्लीटली एसयूवी लेवल का फील है। बोनेट आपको अंदर की तरफ से दिखता है, बम्पर टू बम्पर गाड़ियों को आप इसमें से देख सकते हैं। स्टेयरिंग व्हील आप देखिए, कम्प्लीटली डी कट वाला स्टेयरिंग व्हील है। स्टेयरिंग व्हील की जो है ना आप हाइट एडजस्ट कर ही सकते हैं, टेलीस्कोपिकली भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि ऊपर या नीचे तो कर ही सकते हो, ऐसे भी आप इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हो। ये अच्छा फंक्शन है। हॉर्न कुछ इस प्रकार से आती है। यहाँ पर सभी जो कंट्रोल्स है, वॉइस कमांड के, फोन उठाने के, काटने के कंट्रोल से, इस तरफ जो सभी कंट्रोल से, अंदर जो MID आता है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, उसे आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। ये अच्छा फंक्शन है। वाइपर्स के कंट्रोल है, इस तरफ ये हेडलाइट्स के कंट्रोल है। अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे कम्प्लीटली डिजिटल वाला स्पीडोमीटर है आपके पास में, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल स्पीडोमीटर है। इस बटन के जरिए आप अंदर सेट और रिसेट भी कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अंदर की तरफ क्या फीचर्स है आप यहाँ पर देखिए, ड्राइविंग असिस्टेंस, क्लस्टर लाइट्स, डोर कन्वर्सेशन जैसे कई सारे फंक्शंस है। फ्यूल कंजम्पशन के बारे में आपको बताएगा, कितना फ्यूल बचा है, इतने फ्यूल में कितने किलोमीटर तक कार चल सकती है, ट्रिप ए ट्रिप भी जैसे कई सारे फंक्शंस। और यहाँ पर जो है ना टायर प्रेशर माउंटिंग का भी सिस्टम है। RPM वगैरह जो है ना कुछ इस प्रकार से आपको ये बताता है। यहाँ पर कम्प्लीटली डिजिटल वाला स्पीडोमीटर है यहाँ पर आपके पास में। म्यूजिक सिस्टम अगर आप देखते हो S वेरियंट में, तो 8 इंच वाला टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल। इसमें टोटल 4 स्पीकर्स आते हैं और 2 ट्विटर्स आते हैं। टच रिस्पॉन्स एक तरीके से काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। साउंड्स के रिलेटेड सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलती है, ब्लूटूथ भी ये सपोर्ट करता है। ऑल मेन्यू में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास में फ़ोन के रिलेटेड सारी कनेक्टिविटी है। फ़ोन को आपको कनेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी फ़ोन प्रोजेक्शन वगैरह काफ़ी सारे फंक्शन है। मीडिया में अगर आप आएंगे, मीडिया में आपको मिलते हैं FM AM वगैरह की सारी कनेक्टिविटी। सेटिंग्स में अगर आप आएंगे तो साउंड्स के रिलेटेड सारी सेटिंग्स है, पोजिशन हो गया, इक्वलाइज़र वगैरह सारे कुछ फंक्शंस आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। डिस्प्ले के रिलेटेड सारी सेटिंग्स है आपके पास में, ब्लू लाइट, स्क्रीन सेवर, ये कुछ सारे फंक्शंस है। डिस्प्ले को आप अगर आपको बंद करना है तो वो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये कुछ सारे फंक्शंस है। टच रिस्पांस वगैरह भी अच्छा है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स आते हैं। रिवर्स गियर अगर हम इसमें डालेंगे तो रिवर्स कैमरा आप देखिए गाड़ी का, कुछ ऐसी क्वालिटी वगैरह आपको यहाँ पर देखने मिलती है। डिसेंट लेवल की क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलती है। गाइडलाइंस के साथ में भी ये आता है, अगर आप स्टेयरिंग को घुमाते हो ना कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप देखिए गाइडलाइंस के साथ में ये आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। नीचे अगर आप आएंगे तो AC के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स है, हिजार लाइट्स के कंट्रोल है, मैनुअल AC है आपके पास में। वही अंदर की तरफ Type-C की कनेक्टिविटी है, 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट है और USB का भी पोर्ट आपके पास में है। मोबाइल वगैरह रखने के लिए स्पेस है। नहीं, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं आता है S वेरिएंट के अंदर। S ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस भी है, हैंडब्रेक है और सॉफ्ट टच फिनिश के अंदर आपको यहाँ पर अम्ब्रेस्ट इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। सॉफ्ट टच फिनिश के साथ में ही आता है। डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लेवल की आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मोबाइल रखने के लिए थोड़ी बहुत स्पेस है और ये इसका ग्लो बॉक्स है जिसमें अच्छी खासी स्पेस है। और यहाँ पर भी आपके पास में जो है ना कूलिंग का भी सिस्टम है जिसमें आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह को रख सकते हैं कूल होने के लिए। ऊपर डे नाइट रियर व्यू मिरर है, यहाँ पर सारे सनग्लास होल्डर है, लाइट्स के लेटर सारी कनेक्टिविटी है आपके पास में। और पैसेंजर साइड वैनिटी जिसमें मिरर आपको मिलता है। ड्राइवर साइड वाला जो वैनिटी ना उसमें आपको मिरर नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ टिकट होल्डर ही आपके पास में अवेलेबल है। बाकी ग्रैब हैंडल्स वगैरह भी आप देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। बाकी सामने की तरफ बैठने पर जो फील है, जो गाड़ी का मतलब एक SUV लेवल का फील आपको कम्प्लीटली मिलने वाला है। बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ दिखती है। आइए अभी चलते हैं सामने की तरफ और आपको इंजन के बारे में बताते हैं। बोनेट खोलने का लीवर है यहाँ पर आपके पास में। आइए गाड़ी का फ्रंट बोनेट हम यहाँ पर अभी खोलकर देखते हैं। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो टोटल 2 इंजन के ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बोनेट काफ़ी ज़्यादा हेवी है और कम्प्लीटली डैम्पनिंग वगैरह भी है आपके पास में। और इंजन का जो लेआउट है ये आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ये इसका 1500 CC पेट्रोल इंजन है।
जिसका लेआउट आप देखिए जिस प्रकार से आपको मिलता है। हम इसे अभी क्लोज करते हैं। इंजन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो टोटल दो इंजन के ऑप्शन आपको एस वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। 1500 cc पेट्रोल इंजन जो कि 115 PS की पावर बनाता है, 17 का माइलेज आपको पेट्रोल इंजन का मिलेगा। और अगर आप डीजल लेना चाहते हैं तो डीजल का भी ऑप्शन है, 1500 cc फोर सिलेंडर डीजल इंजन का भी ऑप्शन है जो कि 116 PS की पावर बनाता है। 250 Nm का टॉर्क है उसका, वो आपको माइलेज देगा 20 KMPL का। उसमें भी फ्यूल एफिशिएंसी जो है आपको काफ़ी अच्छी लेवल की मिलती है। बाकी दोस्तों एस वेरिएंट की अगर हम ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल में ये वेरिएंट आपको पड़ता है 16 लाख रुपए ऑन रोड तक का। अगर आप डीजल लेंगे तो डीजल की कॉस्ट जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बाकी ये जो वेरिएंट है पेट्रोल में 16 लाख रुपए तक का ऑन रोड आपको पड़ता है। बाकी एस वेरिएंट आपको कैसे लगा आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।